आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है। अगर आप विलेज क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 3 बेडरूम वाला एक घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप इस प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लान मैंने ये दिया है और ये पूरा मॉडल आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पिलर वगैरह जहाँ कहाँ कहाँ कर बने हैं ये भी मैं आप डिस्कस करूँगा, साथ साथ जो इसका फ्रंट एलिवेशन होने वाला है वो भी आपका मकान का दिखेगा, जो प्रॉपर तरीके से लो बजट हाउस प्लान है और आपका बेहतरीन से डिज़ाइन के साथ यह मॉडल बना हुआ है। दोस्तों, ब्रिक्स का जो मॉडल है ये इटालियन मॉडल बोला जाता है और ये मॉडल बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें पेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्लास्टर करवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब घर बनवाया जाता है तो जैसा ब्रिक्स का आप टेक्सचर देख रहे हैं ऐसा बिल्कुल सफाई से क्रिएट करवाया जाता है, तो उसमें प्लास्टर वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलो उसी मॉडल पर पूरा डिज़ाइन मैंने दिया है 3 बेडरूम के साथ, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इसमें आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं दोस्तों, लगातार नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ जिसके आपको बेहतरीन से एक आइडिया मिल सके। तो चलो प्लान को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं, तो ये इसका दोस्तों ग्राउंड फ्लोर है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए ये पूरा ओवरऑल जो एरिया है 28 फीट फ्रंट इसका फ्रंट है, जिसमें आपका देखिए बीच में ये पिलर है और स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे। इधर एक मैंने बेडरूम दिया है, गेस्ट रूम, जिसमें ये विंडो का डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे आप एंट्री करते हैं अंदर तो ये देखिए कि गैलरी आपको एक देखने को मिलती है। इस गैलरी से आप इस गेस्ट रूम को एक्सेस कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। गेस्ट रूम देखिए मैंने डोर दिया हुआ है। वहीं अगर हम राइट लेफ्ट हैंड की बात करें तो ओवरऑल ये आपकी स्टेयर्स हैं जिससे आप ऊपर चढ़कर जाएंगे और इसके नीचे आप एक बाइक पार्क कर सकते हैं। और ये आपका लेट एंड बाथ मैंने बाहर ही क्रिएट कर दिया है, अंदर क्रिएट नहीं किया, ये लेट बाथ का एरिया है। इसका ये एंट्री पॉइंट और दिया है तो आप अंदर जाएंगे, अंदर जाते ही आपको ये आपका एक बेहतरीन सा बेडरूम मिलता है। और ये आपका जो यहाँ पर ओपन किचन आप अपनी एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपका किचन एरिया होगा, वहीं पर एक बेडरूम भी आपको और देखने को मिलता है। इधर पीछे अगर जाएंगे तो ये आपका पूजा घर भी देखने को मिलता है। काफ़ी सब्सक्राइबर थे वो बोल रहे थे सर आप पूजा घर नहीं क्रिएट करते हैं, तो ये देखिए पूजा घर आपका यहाँ पर बना हुआ है। तो आपका फ्रंट में एक गेस्ट रूम ये है, इसका ये किचन एरिया है, ये आपका एक और बेडरूम है। अगर लिप्रेंट की बात करें तो आपको स्टेयर्स, लेटेंट बाथ, बेडरूम्स और इधर पूजा घर, ये आपका ओपन एरिया। आप जाल वगैरह बीच में रखवाइएगा जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। तो ये देखिएगा पूरा प्लान, मैं जूम करके आपको और दिखाता हूँ, इसे आपको उसका रियलिस्टिक भी समझ में आ जाए, चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये मैं जूम करके फ्रंट का डिज़ाइन दिखा देता हूँ, फ्रंट का डिज़ाइन कैसा बना हुआ है ये देखिएगा प्रॉपर तरीके से। चारों तरफ आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन कैसा बना हुआ है, 28x30 में विथ 3 बेडरूम्स। तो ये तो हो गई इसकी ग्राउंड फ्लोर की बात, तो देखिएगा टॉप व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बात करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट फ्लोर की, तो वही पूरा मॉडल, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री ऊपर और यहाँ पर जो ग्रिल जो आपका गैलरी टाइप का था इसमें झरोखे भी कटे हुए हैं। इसके बाद ये आपका ग्रिल थोड़ा सा आगे से बना हुआ है, बाद बाकी पूरा वही। और ये पूरा पोर्शन लेट एंड बाथ वाला और स्टेयर्स वाला इसको मैंने कंबाइंड कर दिया है ऊपर आकर, आप देखिएगा बड़ा सा पूरा, और इसमें छत लगा दी है तो ये आपको बरसात में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये आपका डोर है जिससे आप छत को एक्सेस कर पाएंगे घर के पूरा। तो ये सिंपल बजट का प्लान है, 3 बेडरूम के साथ बेहतरीन सा प्लान है। अगर आप छोटा सा घर बनवाने की सोच रहे हैं तो इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एक बेहतरीन सा डिज़ाइन मिलेगा, लो बजट मिलेगा। अगर इसके हम कॉस्ट की बात करें दोस्तों, ये लगभग की बात करें 850 से 900 स्क्वायर फीट एरिया है। तो ये अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में बात करें जैसा मॉडल बना हुआ है, इतना ही अगर आप बनवाना चाहते हो तो ग्राउंड फ्लोर में लगभग आपका 6 से 7 लाख रुपए लगेगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर थोड़ा सा महंगा होता है फर्स्ट फ्लोर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर नींव वगैरह सब कुछ बनवाना हो तो 6 से 7 फीट में आप 6 से 7 लाख मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा जितना ये मकान बना हुआ है। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अपना ओपिनियन दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।